कभी। हम ये बात नहीं भूलें कि तुम हमारे दोस्त हो और हमने दोस्ती की हदें पार भी नहीं की। हमने जो कुछ भी किया वो बस एक दोस्त के नाते किया। हम चाहते हैं हमारा दोस्त, उसके अंदर जो काबिलियत है वो काबिलियत दुनिया के सामने है कभी। और हमने तो सुना है कि दोस्ती में हक होता है, बस हमने वही हक जताया और वो फॉर्म फिल कर दिया। हाँ, शायद हमें इतना हक नहीं जताना चाहिए था और उसके लिए हम माफी चाहते हैं। बस अब तो परेशानी खत्म ना। परेशानी खत्म मतलब? तुम कुछ कहना चाहती हो हमें? खुल के कहो सारा। कबीर, हमें तुम्हारी इजाजत के बगैर उस कॉन्टेस्ट में तुम्हारा नाम लिखवा दिया। हाँ। और उसके लिए हम तुमसे माफी मांग चुके हैं, तो अब परेशानी खत्म। तुम जाओ और जाकर उस मुकाबले में हिस्सा लो। किसी भी कीमत पर हम उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने वाले जा। अरे पर क्यों कबीर, तुम अपने लिए जॉब ढूंढ ही रहे थे ना, और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? तुम्हारी इसमें दिलचस्पी भी है। हमें किस चीज में दिलचस्पी है या नहीं है ना जरा, वो हम तुमसे नहीं पूछेंगे, ना जानने की जरूरत है। हमें वहाँ नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, बात खत्म। हमें वजह बताओ। बीवी हो हमारी तुम, बार बार क्या हर चीज में पूछने लगी हो? हमें बीवी बनने का शौक भी नहीं है। तो फिर ये क्या है, क्यों पूछ रही हो हमसे? हम दोस्त है इस नाते ये सब किया। दोस्त होने के नाते तुमने ये सब किया? अगर तुम सच में हमारी दोस्त होती ना जरा, तो तुम करने से पहले हमसे पूछती, बताती नहीं हमें। इसका मतलब जो दोस्ती की तुम बात कर रही हो ना, वो इतनी गहरी नहीं हुई कि तुम हमारे जिंदगी के फैसले लेने लगो। अब खाना बनाना, लोगों को खाना खिलाना, वो हमारा शौक है, कोई बिजनेस नहीं है, और हम उसे बिजनेस नहीं बनाने वाले अब। और खास करके हम वहां जाकर अपना तमाशा नहीं बनाएंगे जरा। तुम्हें तमाशा लगता है कभी? नहीं तो क्या है? कैसा है कॉम्पिटिशन ये? सिर्फ एक जीता जरा, बाकी सब अपना दिल तोड़ कर आते, घर में जाते लड़ते झगड़ते रोते। तुम डरते हो कभी? तुम हारने से डरते हो कभी? और इस कदर डरते हो कि इतनी हिम्मत नहीं है कि कोशिश कर सको? पागलों की तरह बात मत करो, समझी तुम? किसी भी चीज से डरते नहीं हम। ठीक है, अगर तुम नहीं डरते हो हारने से, तो हमें गलत साबित करो ना कभी। हिस्सा लो इस कॉन्टेस्ट में। नहीं लेंगे हिस्सा किसी कॉम्पिटिशन में, किसी तमाशे में। नहीं लेंगे हिस्सा जारा। एक बात कहें, बीवी होने के नाते हम ये बात तुमसे कभी नहीं कह सकते थे, लेकिन आज एक दोस्त होने के नाते जरूर कहेंगे। तुम बहुत मजबूत हो कभी, लेकिन तुम्हारी सोच ने तुम्हें अंदर से बहुत कमजोर करा हुआ। तुम्हें ना उम्मीद ही है कभी। तुम हारने से इतना डरते हो कि तुम एक कोशिश भी नहीं करना चाहते हो जीत की तरफ। तुम्हें इतना हौसला नहीं है कभी कि तुम ये हिम्मत कर सको कि अपने हिस्से की जीत तुम जमाने से ले सको। तुम्हारी सोच तुम्हारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन। अगर तुम्हें कुछ आगे जाने से रोक रहा है तो वो तुम्हारी सोच है कभी। ये था ना वो, हमारे जज्बात को सुलगा कर तुम हमारा फैसला बदलना चाहती हो अब सारा। तो जान लो ऐसा नहीं होने वाला। हथेली पर कामयाबी का सूरज दिखाकर हमें नाकामी के अंधेरे में धकेलना चाहती हो जरा। ऐसा नहीं होगा कभी, कुछ नहीं होने वाला। दोस्ती रखनी है हमसे, रखो वरना मत रखो, लेकिन इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा हम नहीं लेने वाले। जिस दोस्ती में हमें सलाह देने तक की इजाजत ना हो, उस दोस्ती से अल्लाह ही हमें बचा। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। जैसा तुम चाहो, खत्म हो तो खत्म।
कबीर भाई, कुछ पता चला उस मैसेज का? किसने नाम दिया था तुम्हारा कुकिंग कॉन्टेस्ट? आप बेफिक्र रहिए अबू, हम किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लेने वाले, खास करके कोई कुकिंग कंपटीशन। चलो अच्छी बात, वैसे भी कल तुम्हें इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए निकलना है। मौलाना साहब से हमारी बात हो गई, मदरसे की तरफ से शिरकत करने वाली टीम की कयादत तुम करोगे, उस टीम को तुम लीड करोगे। अस्सलाम वालेकुम जारा बीवी। वालेकुम अस्सलाम, आइए आइए आप लोग आइए। अम्मा पापा, असल में अर्शी की कजन ने हमें जो काम दिया था ना, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसका काम हम आज से ही शुरू करने की सोच रहे हैं, इसलिए इन सबको बुलाया। माशाल्लाह भाई, अल्लाह आपके काम में बरकत बख्शे। आमीन सुमा आमीन। ये गलत बात है जारा बीबी, आपकी कंपटीशन के जीतने की खुशी में सबसे ज्यादा खुशी हमने मनाई और आपने हमसे मुबारकबाद तक नहीं ली। आपा हम सच कहें तो हम खुद आने वाले थे आप सबके पास मुबारकबाद लेने के लिए। असल में हुआ ये कि कॉन्टेस्ट के ख़त्म होते ही किसी की शादी में हम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, हम खुद मिठाई का डब्बा लेकर आएंगे और आप सबके साथ मुँह मीठा करेंगे। हमारा मुँह तो मीठा हो गया बीबी, आपके दोस्त कबीर अहमद साहब ने उसी दिन हमें मिठाई के डब्बे भिजवा दिए थे। और तो और आपके वो दोस्त? नहीं, कबीर हमारा दोस्त नहीं। काम बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ वक्त जाया नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी काम शुरू करें उतना अच्छा है। आइए। अल्लाह ने तुम्हें सुनहरा मौका दिया है कौम का एक हमदर्द बनने के लिए, और हमें पूरा यकीन है कि इससे तुम्हारे एक मुस्लिम यूथ लीडर बनने की कहानी शुरू होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें तैयारी करनी चाहिए कॉन्फ्रेंस के लिए। आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीनत भाभी, कबीर कहाँ है? कबीर बस अभी अभी गया। हम आते हैं। अरे मगर नाश्ता आते एक मिनट मिल के। सब ठीक तो है? क्या सोच रही हैं आप? सोच नहीं रहे काजी साहब, अपनी बेटी जारा का अच्छा मुस्तकबिल देख रहे। मतलब? बहुत अच्छा हुआ जो जारा और कबीर की दोस्ती टूट गई। अल्लाह की जात पे हमें यकीन था और है कि हमारी बेटी जारा हमेशा खुश रहे और चैन से रहे। मगर बेगम, हम किसी की दोस्ती के बीच ना ही आना चाहते हैं और ना ही बोलना मुनासिब समझते हैं। क्यों? क्योंकि बेगम, माँ बाप, भाई बहन वगैरह ये जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सब हमें बने बनाए मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो हम खुद ब खुद बनाते हैं, इसीलिए ये रिश्ता हमारे दिल के सबसे करीब होता है, सबसे करीब। इसके टूटने का गम भी मनाना चाहिए, और अगर वक्त का तकाजा सही हो बेगम तो इस रिश्ते पर खुशी भी मनानी चाहिए। अल्लाह खैर करे कबीर, तुम जारा से दोस्ती तोड़ के चले? हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, उसने दोस्ती तोड़ी हमसे। अरे अगर जारा गुस्सा थी तो तुम थोड़े नरम पड़ जाते यार। हाँ हम भूल गए, तुम तो हमारे दोस्त हो नहीं, तुम तो जारा के वकील हो। इसमें दोस्ती कहाँ? इसमें दोस्ती की क्या बात है? एक बार हमसे पूछा कि जारा ने हमसे क्या क्या कहा? नहीं, हमसे तो नहीं पूछोगे ना, तुम्हें तो अंदाजा तक नहीं है। और एक बात जान लो, अगर हम उसके सामने इतना सा भी नरम हो जाते ना, पता है उसे क्या लगता? कि उसकी बेवकूफी भरी मशवरे को हम मान गए और वो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए, जो हम नहीं है। जारू, वो राजी हो या ना हो वो उसकी मर्जी है ना, इसके लिए तुम दोस्ती तोड़ दोगी क्या? और जरूरत क्या थी, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा। बात बोले तो तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने उससे बिना पूछे उसका नाम वो कंपटीशन में दे दिया, और
तुम अब उसे गुस्सा होने का भी मौका नहीं देना चाहती हो। दोस्ती और अलग तोड़ कर बैठी हो। तुम बोलोगे हम कब से बोले जा रहे हैं कुछ? बोलो तो। क्या बोले? और तुम्हें कौन सी दोस्ती टूटने का इतना मलाल है? अरे ऐसी दोस्ती को खाक पड़े जब हम अपने दोस्त को मशवरा तक नहीं दे सकते, उसे सच्चाई का आईना नहीं दिखा सकते, उसे ये नहीं बोल सकते कि नहीं दोस्त तुम्हारे लिए ये सही है और ये गलत। तुम्हारा जारा के बारे में ऐसा सोचना गलत है कबीर। और क्यों? क्या गलती है उसकी कि तुमसे उसने बिना पूछे नाम डाल दिया तुम्हारा ये? हाँ इमरान। या ये कि वो चाहती थी कि तुम्हारा नाम, तुम जो इतना अच्छा खाना बनाते हो, ये दुनिया तक पहुंचे। कबीर इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले लो, अगर तुम हम पे गुस्सा हो तो हो जाओ, हमसे दोस्ती तोड़ लो, मगर हमारी ये बात मान लो कर। कैसे तुम्हें समझाए ये खेल, ये तमाशा, ये कंपटीशन वगैरह हमें पसंद नहीं है इमरान मियां, बस इतनी सी बात है। हमारी पसंद के कोई मायने है कि नहीं? नहीं पसंद है ना तुम्हें, तो तुम क्यों जारा की मदद कर रहे थे उस फैशन कंपटीशन में? बात बिल्कुल अलग है यार। जारा की नियत साफ थी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले, वो एक अच्छे मकसद के तहत उस कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। हम क्यों खाना बनाने जा रहे हैं, हमें कोई बताएगा? हम बता देना तुम्हें। क्यों? कभी वो 80 लाख रुपए जिसका कर्ज तुम्हें चुकाना है, जिसकी तलवार काजी साहब के सर पे लटकी हुई है, कल तक तो तुम इस कर्ज को चुकाने के लिए नौकरी तक करने को तैयार थे कबीर। कबीर आज तुम्हारे पास मौका है, ये मौका तुम्हारी बहुत मदद कर सकता है कबीर। हम जानते हैं तुम अपने दिल की सुनते हो, जब तक तुम्हें नहीं जचेगा तुम नहीं करोगे, पर तुम्हें इस वक्त की नजाकत को समझना होगा कबीर। ये एनजीओ में जॉब करके, छोटी मोटी जॉब करके तुम इतना बड़ा कर्ज नहीं चुका पाओगे, मगर अगर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हो ना कबीर, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। तुमने ही कहा था ना ये कर्ज चुकाना तुम्हारा फर्ज है। कबीर अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया इस फर्ज को पूरा करने का, इसे अपने हाथ से जाने मत। हम तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें सोने से पहले कबीर को कॉल करना है, ये रोज होना चाहिए, ये तुम दोनों की थेरेपी रहेगी। कबीर वो 80 लाख रुपए जिसका कर्ज तुम्हें चुकाना है, जिसकी तलवार काजी साहब के सर पे लटकी हुई है, तुमने ही कहा था ना ये कर्ज चुकाना तुम्हारा फर्ज है। कबीर अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया इस फर्ज को पूरा करने का, कबीर इस कंपटीशन में हिस्सा ले लो, अगर तुम हम पे गुस्सा हो तो हो जाओ, हमसे दोस्ती तोड़ लो, मगर हमारी ये बात मान लो कबीर। इजाजत ना हो उस दोस्ती से अल्लाह ही हमें बचाए। आज से हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म।
तुम्हें महसूस भी नहीं है कबीर तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। कबीर ये कॉम्पिटिशन तुम्हें बहुत फायदा देगा। मौलाना साहब से हमारी बात हो गई, मदरसे की तरफ से शिरकत करने वाली टीम की कयादत तुम करोगे। क्या वाकई जो इमरान कह रहे हैं वो सही है? क्या वाकई उस कर्ज को चुकाने का रास्ता है ये? हाँ वो कर्ज हमारा फर्ज है, पर ये जो इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, फर्ज तो ये भी है हमारा, हमारे कौम की तरफ, हमारे कौम के नौजवानों की तरफ। तो हम किस फर्ज को तवज्जो दें? समझा हमें मेरे मौला। हाँ बोलिए बोलिए जनाब। फरमाइए। जब आप ऐसे वजू करें ना, खास करके इस मस्जिद में, तो आप फोन यूज ना करें। वो क्या ना, छोटे बच्चे लोग आते हैं और आपको ऐसे फोन पे बात करते हुए देखेंगे ना, तो उन पर गलत असर पड़ेगा। भाईजान इंटरनेशनल कॉल है, अभी बात करना जरूरी है। कौन कॉल चल रहा है? हेलो हेलो। एक सेकेंड, आपके हाथ गीले, ये लीजिए, बात कीजिए। अरे बीबी जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर हम कल आपसे ऑर्डर लेंगे तो फिर अमरीका पहुँचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। कैसे भी करके आपको कल हमें ऑर्डर देना ही है। असल में बात ये है कि हमारे जो ग्रुप की लीडर टेलर है ना, वो बीमार हो गई हैं। तो कल तक तो किसी भी हाल में नहीं हो पाएगा, हमें 2 दिन और दे दीजिए। 2 दिन बहुत ज्यादा है सारा, हम यहाँ इस ऑर्डर की डील कर चुके हैं और वक्त पर देने का वादा भी। अगर तुमने ऑर्डर वक्त पर नहीं दिया तो हमारी रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी। अर्शी की सिफारिश पर हमने तुम्हें यह काम दिया, तुम्हारे गुजारिश पर एडवांस दिया। अब तुम्हें कल तक कैसे भी सारा स्टॉक तैयार करके अमेरिका के लिए रवाना करना ही होगा, वरना मजबूरन हमें ये ऑर्डर कैंसिल करके यहाँ के डीलर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं, अब बाजी ये नौबत ही नहीं आएगी। एजाज भाई, आप एक काम करिएगा, आप कल आ जाइएगा, हम सारे पार्सल रेडी करके तुरंत रवाना कर देंगे। ठीक है बीबी जी। أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا, में जरूरी फर्ज से रूबरू करा है। बेशक कौम की खिदमत करना हर बंदे के लिए जरूरी है, मगर तेरे इस बंदे को पहले वो कर्ज चुकाना है जिसका अजाब जारा और उसके घर पर उतर रहा है। ये तकलीफ हमारे हिस्से की है, पर जारा को मिल रही है। उसे लोगों के सख्त लहजे और मुंह से निकलते हुए तीर को सहना पड़ रहा है मेरे मालिक, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मालिक, हमने अपना फैसला बदल लिया। हम पहले जारा के इलाज के लिए दिया गया कर्ज चुकाने का फर्ज अदा करेंगे, उसके बाद किसी और चीज पर गौर करेंगे।